पी रहे हैं यहाँ सिंधड़ी पे बनो अकेले। मैं तकरीबन 3-4 बार यहाँ आया हूँ दादा साहब। दादा बाइक में बाएं हाथ से चला रहा हूँ। आप लोगों का हमें 2 दिन रखा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रिंस अब्दुल वहीद और आप लोग देख रहे हैं वहीद मिर्ज़ा को आज का व्लॉग करते हैं। तो अभी मैं बनो अकेले से जा रहा हूं अपने घर, पहले गुटकी जाएंगे उसके बाद आगे उबाड़ो जाएंगे। सो अभी वो बूट पॉलिश कर रहे हैं अब्दुल कदीर। यार मेरे तो करो, मेरे तो बहुत किन्ने हो गए हैं मट्टी हो गए हैं। सो अभी हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, बाकी सारे मेरे जो जोड़े थे ये इसने उठा लिए, इसके बैग में सारे पड़े हैं। मतलब मेरा बैग तूने उठा लिया। चलो खैर है, हाँ कैमरा मैन तू है ना मेरा। तो जैकेट मेरी है, इसके पास है, छोटू के पास है। चलें छोटू नीचे चलें। नहीं नहीं खड़े हो जाए, मैंने मजाक किया हो गया। सो अभी हम चलते हैं नीचे, चलते हैं चाय वगैरह पीते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। पहले घुटकी जाएंगे, थोड़ा काम है मुझे, पहले घुटकी जाएंगे फिर इंशाल्लाह बड़ हो जाएंगे। चलो नीचे जा रहे हैं को बाय बाय, हॉस्टल को बाय बाय। छोटू ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बाकी लोग कहाँ हैं? चले गए सारे, चले गए। कहाँ चले गए? गांव। सारे गांव चले गए, अब हम भी जा रहे हैं। ये भी, इसको भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ, ये भी हमारे साथ मेरे साथ चलेगा मेरे गांव। मतलब ये भी मेरे साथ अपने गांव चलेगा। क्या आपकी क्या ज़रूरत है, आप गांव जा रहे हो? तेरी क्या ज़रूरत है जाने की? मैं तो वैसे घूमता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी सकर कभी रहमियार खान। नहीं रह लेना, अगले हफ्ते चलेंगे बस। नहीं नहीं मैं नहीं रहूँगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, 2 दिन आप लोगों ने मुझे रखा। 3 दिन वैसे भी मेहमान होता है ना, वो 3 दिन के बाद वैसे भी मछली धप कर जाती है। 2 दिन बर्दाश्त किया। हम रास्ते से जा रहे हैं, कज़न भी मेरे साथ है। साईं शुक्रिया आप लोगों का हमें 2 दिन रखा, तो अभी हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मेहरबानी। तुम नालो चाहे गुलाम मुर्तज़ा, गुलाम मुज्तबा, ठीक है शुक्रिया। हम बनो अकेले से निकल रहे हैं उबाड़ों के सफ़र के लिए। सो एडी भाई ने भी ज्वाइन कर लिया। भाई आप कहाँ थे रात? हम रात छावनी थे। छावनी थे, खैर में गए थे? हाँ छावनी काम था, उधर गए थे। अच्छा जाहिर सी बात है, फिर दोस्त जो आता गया वो लेता है क्या। जो दोस्त आए थे हमें तो पता ही नहीं था कि बनो अकेले की कोई इतनी गलियां भी है। अच्छा। मेरे साथ भी सेम मसला था, ऐसे भी बनो अकेले बहुत अच्छा है। छावनी मतलब... से छावनी से लेकर यहाँ तक के दोस्तों ने छोड़ा ही नहीं है, अभी भी दोस्त बैठे हुए हैं सारे। मतलब 1 रुपया इसने नहीं किया, सारा खर्चों का है, जो खर्चे उन्हें जो हो। अच्छा फ्री में नहीं, जो देखो शराब आप मौला ने हिलाल का है, फ्री का माल टोपी निडाल से बिल्कुल ही। सो अभी हम चाय पी रहे हैं यहाँ सिंधड़ी पे बनो अकेले में। ये कौन सा इलाका है कदूस भाई, आप क्यों परेशान हो? पहले भी परेशान थे, अब परेशान हो रहे हैं। परेशानी ने इसको घेर लिया है। यार एडी भाई आपने इसकी चाय उठा ली। नहीं मैंने तो, चाय तो बहुत अच्छी है, इसको क्या पता चाय का। यार इस बेचारे ये लस्सी पीता है। चाय पी रहे हैं लेकिन चाय यहाँ की बहुत अच्छी है, ये भाई बोलता है चाय यहाँ की अच्छी नहीं होती। मैं तो तकरीबन 3-4 बार यहाँ आया हूँ दोस्तों के साथ, कभी वहाँ पे बैठता हूँ कभी यहाँ पे। ठीक है शुक्रिया। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घुटकी की तरफ, घुटकी में मुझे थोड़ा काम है। भाई ठीक है शुक्रिया। दादा साहब, दादा बुला साहब, बाइक चलाओ साईं। गाइस हम घुटकी में यहाँ पहुँच गए, इसने ठोक दिया हमें वहाँ रक्षे में। गाड़ी का ये फ्रंट पक्खा होता है ना, वो माडी गार्ड, वो इसने तोड़ दिया। क्यों हंस रहे हो, आँखें लाल हो गई आपकी, बंद करो। जा रहे हैं होटल पे चाय पीने के लिए, हमारे साथ आमिर है, आमिर भाई के साथ चाय पीने के लिए होटल पे जा रहे हैं। चाय पीने के लिए होटल पे बेचारे ने बैग अंदर रखा था, फिर दोबारा वापसी लेके आया ये कदीर। तो बाइक में बाएं हाथ से चला रहा हूँ क्योंकि दूसरे हाथ से मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे मिट्टी बहुत है यार। सो घोटकी की गलियों से अब अंदर से जा रहे हैं बाहर, मतलब मेन रोड से हम नहीं आए क्योंकि यार वो गिलसिन पड़ी थी, बाइक स्लिप हो रही थी। बाएं हाथ से वैसे भी मैं चला रहा था इसलिए गाड़ी स्लिप हो रही थी। तब मैं बाइक पे बैठा हूँ, सो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा उबाड़ो। पहले मीरपुर जाऊँगा, मीरपुर के बाद उबाड़ो जाऊँगा। अब उबाड़ो जाने का टाइम हो गया क्योंकि मैं 2-3 दिन से घर नहीं गया, मतलब दो तीन दिनों के बाद घर जा रहा हूँ। बाहर था मैं, कभी बनो अकेले कभी सखर और अब घुटकी खड़ा हूँ। तो अब घुटकी के बाद मैं सीधा जा रहा हूँ सीधा मीरपुर, मीरपुर के बाद सीधा जाना है
मीरपुर के बाद सीधा जाना है उखाड़ो, फिर अपने घर चला जाऊंगा और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं। पहली गैस में यहाँ मीरपुर में पहुंच गया हूँ, तकरीबन 10 मिनट हुए हैं। सो अभी मैं यहाँ पे खड़ा था, सो ये वाशरूम ऐसे बंद था, इसका दरवाज़ा मतलब अंदर कोई नहीं था। मैंने आधा घंटा यहाँ पे खड़ा रहा, सो अब इसको धक्का दिया तो इसमें कोई नहीं था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सो अभी चलते हैं यहाँ खाना खाने के लिए। सो ये खाना यहाँ पे खाएंगे, उसके बाद उखाड़ो चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी आ गई, रोटी में है तकरीबन कोई सालन है। ये कौन सा सालन है कदीर? यार कदीर रोटी ठोस ठोस के लाल हो गए हो, पहले बोल रहे थे सर्दी कांप रहे थे, अब ठीक हो गए। किससे चैटिंग कर रहे हो? लड़कियां फंसाई हैं क्या आपने? नहीं यार, मुझसे कोई बात नहीं करता, गरीब से उसके साथ। पहले सर्दी थी अब गर्मी हो गई, ऐसे तो होगा ना। कहाँ, अब तो माशाल्लाह मैंने जैकेट भी उतार दी, वो भी उतारी, तुझे भी गर्मी लग रही। सो अभी हम ढेरकी में पहुँच चुके हैं, चाय हमने मंगवा ली है। साई तुम क्यों परेशान? और मैंने चप्पल वगैरह मैंने उतार दिए, वो ये पॉलिश कर रहा है। कौन हो भाई आप? मंगवा लो। अच्छा तो अभी हम चाय मुकाते हैं, उसके बाद चलते हैं उखाड़ो। सर में बहुत दर्द हो गया है दो तीन दिन से सफ़र कर करके। सो फाइनली गाइस मैं उखाड़ो पहुँच गया, अलविदा होटल के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे पैकेज करवा रहा हूँ भाई से, ये कज़न भी मेरे साथ है, बैग इसने उठाया हुआ है। और अभी चलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर चाय वगैरह पीते हैं यहाँ होटल से। होटल की अच्छी चाय होती है, तो अंदर चलते हैं। सबसे पहले पैकेज हो जाए, पैकेज के बाद मैं चलता हूँ अंदर। भी हमें लेने आए 125 पे, अब इसके साथ चलते हैं। छोटा भाई भी हमारे साथ है, एक कज़न, तो उस बाइक से हम चलते हैं सीधा अपने घर। वो थक चुके हैं। गैस गाड़ी को यहाँ ऊपर लेके आए, यहाँ हलवा खाने के लिए। सिर्फ हलवा यहाँ का बहुत फेमस है, मतलब यहाँ का हलवा। तो अब हम यहाँ पे आए हैं हलवा खाने के लिए। कज़न वाले मेरे साथ हैं, वो भाई हमें आया लेने के लिए। ये भी मतलब प्रदेश में रहता है, मदरसे में मदरसा वगैरह पढ़ता है। तो ये पहले इसको मैंने छोड़ा था ये जब गया था, अभी ये वापसी आ गए, अभी यहाँ पे आए हम हलवा। चलें जी शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह शुरू करें भाई। मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो गया है कल से। मैं कुकड़ मुर्गी ये सब्ज़ी वगैरह खा के थक चुका हूँ। गोश्त बकरा, बकरे का गोश्त, पन्नू वकील, शक्कर, रोड़ी, और उसके बाद मेरा ही मर गया था। खा के मतलब परेशान हो गया हूँ। आप लोग खाएं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को देखूँगा। तो अभी हम अपने घर जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। चलो भाई बैठो, खैर तो है, बैठो जल्दी बैठो। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ अपने विलेज में, और ये व्लॉग एडिटिंग चल रही है। सो रात सिर्फ मैं सोया था, और कल रात मैं पूरी रात सोया ही नहीं था, सारी रात घूमना फिरना हो गया। सो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, भाई आया था लेने के लिए। मैंने वो व्लॉग अपलोड किया, व्लॉग मतलब रिकॉर्ड किया, कज़न के साथ मैं आया था। तो अभी मैं खेत में आया हूँ यहाँ पे, ये मतलब सरसों का इलाका है। सो यहाँ हरियाली है बहुत, मतलब अगर किसी को शांति लेनी हो तो फिर वो खेतों का चक्कर लगाए, क्योंकि ना शोर होता है ना कुछ होता है। इसलिए ना आप लोग मज़े से गेमिंग खेलो, गेम वगैरह खेलो और एडिटिंग करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह इंशाल्लाह। तो आज का था यही व्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। बाकी ये मेरे कज़न का ये पूरा मिट्टी हो गया है, चप्पल मेरी वो भी मिट्टी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।